पत्थर को, कोई कांटे को, कोई तकलीफदार चीज को हटा देना, ताकि उससे किसी मुसलमान को गजंद या कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये जिक्र बिल जिस्म है। और इसी तरह जब बंदा बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का नाम अपनी जुबान से लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह शरीफ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ता है, तो ये जिक्र भी लिसान हुआ, यानी अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र करना। और एक जिक्र कल्बी है, ना तो जिस्म से जिक्र हो ना जुबान से जिक्र हो, बंदा खामोश हो, उसकी जुबान साकित हो, लेकिन उसका कल्ब जो है अल्लाह की याद में मशगूल हो, तो उसको जिक्र कल्बी कहते हैं। जिक्र बिल कल्ब, यानी वो बंदे का जिक्र जो है तो कल्ब से जारी होता है। ये तीनों अकसाम जो है वो जिक्र इलाही की है। चाहे बंदा जिस्म के जरिए अल्लाह का जिक्र करे, चाहे बंदा जुबान के जरिए अल्लाह का जिक्र करे, चाहे बंदा दिल के जरिए अल्लाह का जिक्र करे, जब